खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात उस खतरे की जो हर घर में पहुंच रहा है, ये सच एक विशेष स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम सामने लेकर आए हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि देश में कैंसर जैसी बीमारी तेजी से बढ़ी है? जो लोग सिगरेट नहीं पीते, जिन्होंने कभी पान मसाला, तंबाकू, गुटखा नहीं खाया, उन्हें अचानक पता चलता है कि कैंसर हो गया है। जिन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, उन्हें एक दिन पता चलता है कैंसर हो गया। आखिर देश के घरों में कैंसर की यह बीमारी दबे पांव कैसे दाखिल हो रही है, इसके पीछे का सच आप ध्यान से सबसे पहले देखिए और पूरी रिपोर्ट देखते हुए समझिए, क्योंकि जल्दबाजी कई बार अच्छी जानकारी से दूर कर देती है। लोहे को काटने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्या सिगरेट जीवन भर ना छूने वालों को वही गैस कैंसर दे रही है? जो गैस लोहे की मोटी चादर को छेद कर दो टुकड़े कर देती है, क्या जिंदगी में कभी गुटखा ना खाने वालों को उसी गैस से कैंसर हो रहा है? जो गैस लोहे की मोटी सी चादर में चंद सेकंड के भीतर सुराख करने में कामयाब हो जाती है, क्या पूरे जीवन में कभी तंबाकू ना खाने वालों को उसी गैस से कैंसर की बीमारी हो रही है? भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ एक सर्वे बताता है कि 2012 से 2018 में फेफड़े के कैंसर वाले 50% मरीज कभी भी सिगरेट ना पीने वाले लोग थे। तो क्या ताजे फल चुनकर ही खाने वालों को कैंसर हो जा रहा है? क्या 70 रुपए की चीन वाली पुड़िया शरीर में जहर घोल रही है? क्या 700 रुपए की चीन की बोतल शरीर में कैंसर फैला रही है? आज आपके सामने यही सच सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन एक छिपा हुआ कैमरा लेकर निकले। क्योंकि आप अपने शहर में जिस केले को ताजा समझकर खरीदते हैं, जिस केले को खरीदते वक्त कार्बोहाइड्रेट और खून में वृद्धि से शरीर को ताकत पाने की सोचते हैं, वही केला क्या वाकई सुरक्षित होता है? ये सच सामने